आज आप सभी के लिए मैं एक बार कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो भी हम ग्रीन ग्रेवी में बनाएंगे और बिना फ्राई किए हुए ही कोफ्ते बनाएंगे। पनीर और आलू के कोफ्ते होंगे, आप उसको मलाई कोफ्ता भी बोल सकते हैं, ग्रीन ग्रेवी में मलाई कोफ्ता। हाय, मैं रश्मि देवर्षी, रश्मि फूड ट्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया लिया है, धो के अच्छे साफ करके इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। पहले तो सबसे पहले हम सूखी चीज़ डाल लेते हैं, हमें एक ग्रेवी तैयार करना है तो उसके लिए हमें एक पेस्ट बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है ये रेसिपी। यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज थी वो मिक्सी के पॉट में डाल रही हूँ। आप प्याज ना खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। एक हरी मिर्च है, बड़ी वाली है, अदरक है, अदरक, हरी मिर्च और प्याज, और थोड़ा सा ये काजू टुकड़े थे वो ये यूज़ कर रही हूँ मैं, आप साबुत भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून काजू। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हमारी थिक बने उसके लिए मैं एक चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। साथ में यहाँ पर 2 टेबल स्पून भुजिया डाल रही हूँ जिससे हमारी ग्रेवी थिक बने थोड़ी सी। काजू तो है ही पर भुजिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चाहे तो आप भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। साथ में इसमें जाएगा दही, 1/4 कटोरी दही जाएगा। अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और पुदीना और जो धनिया हमने साफ करके रखा था वो डाल दें इसमें। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं, प्यूरी बना लेते हैं एक। यहाँ एक ग्रेवी हमारी, ये प्यूरी तैयार है ग्रेवी के लिए। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ये मेरी हॉकिंस की ट्राई प्लाई वाली ही कढ़ाई है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। गैस ऑन करते हैं। यहाँ 3 से 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे। आप 2 टेबल स्पून में बना सकते हैं, थोड़ी हम मार्केट और होटल स्टाइल की बनाएंगे इसलिए थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा रख रही हूँ, आप कम में भी इसको बना सकते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग, काली 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 हरी इलायची। इसको थोड़ा सा फोड़ लें नहीं तो एकदम से फूटेगी। फिर इसमें तेल में सारे फ्लेवर आ जाए हमारे खड़े मसाले के। इसमें हम बहुत कम मसालों का यूज़ करेंगे। हमने जो प्यूरी तैयार की थी वो डाल देंगे हम इसमें। रेड और येलो ग्रेवी से बोर हो चुके थे, इस तरह की ग्रेवी कोफ्ते में आप बना के देखें, बहुत टेस्टी लगती है। गैस की फ्लेम को स्लो ही कर देते हैं, केयरफुली डालें इसको। साथ में इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर जाएगा ग्रीन कलर को बैलेंस करने के लिए। जब तक प्याज की कच्चापन दूर ना हो जाए काजू प्याज का, तब तक हम इसको भूनेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखना है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, 1 टीस्पून नमक। जब तक हमारा ऑयल रिलीज ना हो जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। एक बार इसको हम कवर कर देते हैं तो वेट करते हैं भुनने का। ग्रेवी थोड़ी ग्रेवी जैसे हमारी पकती है, हल्का सा पानी डाल देते हैं। इसी पॉट में ले लिया जो बचा हुआ था जिससे कि अच्छी तरह से पके ही है, और बीच में एक बार चलाते जाएं। 1/4 कटोरी करीब मैंने इसमें पानी डाला है, इसी में ही पॉट में ही लेके इसमें डाल दें पानी, साफ भी हो जाएगा पॉट हमारा, और कवर कर दें इसको वापस से। तो वेट करते हैं प्याज पकने का। ग्रेवी चेक करते हैं अब, इसमें ऑयल आ चुका है। थोड़ी सी पतली करने के लिए हम इसमें दूध का यूज़ करेंगे, पानी नहीं डाल रहे हैं, आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ी से मसाले डालेंगे, बहुत कम डालेंगे मसाले। यह है सब्जी मसाला 1 टीस्पून, सफ़ेद काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप काली वाली जो रूटीन की मिर्च होती वो भी, काली मिर्च के दाने होते हैं उसको पीस के बना सकते हैं। ये वाइट पेपर है, सफ़ेद काली मिर्च का पाउडर है, और यहाँ चिली फ्लेक्स हैं ये, चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च या रूटीन वाली लाल मिर्च डाल सकते हैं, पर इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ये सब चीज़ें तीनों में डाल देती हूँ, उसमें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। थोड़ा सा
हल्का सा कलर इसलिए भी चेंज हुआ क्योंकि हमने पुदीना का यूज़ किया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे, 3/4 कटोरी दूध, और अच्छी तरह से मिलाएं इसको। दूध से एक रिचनेस आएगी क्योंकि दही भी डाला है, दोनों से बहुत अच्छा एक टेस्ट भी आएगा और ये दही खटास होगी वो भी बैलेंस होगी। टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे हम इसमें। अब इसको अच्छी तरह से पकने देते हैं। ये कर्डल नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें भुजिया और काजू डाला है पेस्ट में, इसलिए कर्डल नहीं होगा ये दूध डालने के बाद भी। तो जब तक और तेल रिलीज़ ना हो जाए तब तक हम इसको पकने देते हैं। एक बार टेस्ट कर लेंगे नमक को, अगर कम लगे तो। इसको कवर कर देते हैं। तब तक हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते के लिए यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लिया, लार्ज साइज़ का, जिसको उबाल लिया था और किस लिया है। 100 ग्राम पनीर लिया है, इसको भी किस लिया है। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/2 टीस्पून काजू के टुकड़े हैं, 1 हरी मिर्च है और थोड़े से किशमिश है। इनको सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं, सभी चीज़ों को मिला लें। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, बहुत थोड़ा सा। कोफ्ते बहुत ज़्यादा तामझाम वाले नहीं बना रहे, सिंपल से बना रहे हैं कि मावा और वो सब नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें। अच्छी तरह से मिला लें जिससे बॉल्स बन जाए हमारी इसकी। अब बॉल्स बना लेते हैं। इसमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, इसलिए जो भी शेप में चाहिए आपको आप बना सकते हैं। यहाँ मैं गोल ही रख रही हूँ, सारे गोले इसी तरह से तैयार कर लें। इसके बॉल्स, सारे बॉल्स मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं। 10 बॉल्स बने इतने में। ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं, साइड में दिखने लग गया है ऑयल। ग्रेवी हमारी तैयार है, नहीं तो ये गाढ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हो भी जाए तो आप इसमें गर्म दूध या गर्म पानी डाल देंगे। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं, कोफ्ते पकाते हैं। कोफ्ते बना लेते हैं, साइड में रख लेते हैं ग्रेवी। मैं अप्पे पनियारम सांचे में बना रही हूँ। ये तोसा कंपनी का है मेरा, ये पनियारम अप्पम का सांचा। इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग करी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बिना तले बना रहे हैं, आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, फिर उसमें कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। गैस ऑन करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देते हैं हम सांचे में। 10 है तो 10 में डाल देते हैं। 1-1 टीस्पून पहले आधी आधी डलेगी इसमें, बहुत छोटी वाली चम्मच ही है, बहुत कम में ही हो जाएगा, ये बन जाते हैं इस तरह से। तेल गर्म कर लेते हैं इसमें डाल के। अब तैयार बॉल्स डाल दें इसमें। रेड वाली ग्रेवी की भी, मलाई कोफ्ते की रेसिपी मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है, वो भी बिना तले है। गैस की फ्लेम को स्लो ही कर देते हैं। यहाँ मैं कवर करके नहीं पका रही हूँ इसको, एक बार पहले पलट दें इसको अच्छी तरह से। बिना फ्राई करे पता ही नहीं चलता कि आपने तले हैं या बिना तले बनाए, कम तेल में बनाए हैं, बहुत लेस ऑयल में है ये। ग्रेवी में जाने का पता ही नहीं चलते हैं, तो सिकने देते हैं जब तक कोफ्ते गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हमारे। बीच बीच में से इसको पलटते जाएं, जिसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा था उसमें ऊपर आ चुका है ऑयल। ये देखेंगे आप इस तरह सिकते जा रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा फ्लेम हो रही है वहाँ पे जल्दी सिक रहे हैं हम, उसको शिफ्ट कर देंगे। फिर जिस तरह सबसे ज़्यादा आ रही होगी उसको इधर शिफ्ट कर देंगे, जैसे ये जल्दी जल्दी पकने लग गए बीच वाले, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। कोफ्ते की जैसे आप इसको सेक लें अच्छी तरह से, जो जो सिकता जाएगा हम फिर उसको निकाल लेंगे। सभी चीज़ें पकी हुई हैं, पनीर को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। यदि इस तरह से नहीं करना तो इसको रोटेट कर देते हैं, दूसरी तरफ ले आते हैं इस तरह से। ये बहुत यूज़फुल होता है पनीर अप्पे का सांचा, बिना कम तेल वाला खाना हो आपको तो इसमें कई चीज़ें बन जाती हैं। और भी रेसिपी मैंने आप सभी के साथ में शेयर करी है इसकी। गैस ऑफ कर देते हैं, बन जाएंगे, बाकी जो गर्म है अभी उसी में ही कम्प्लीट हो जाएंगे। तो अब हम इसको सर्व करेंगे, तो साइड में रख लेते हैं। थोड़ी ग्रेवी गर्म कर लेते हैं क्योंकि अब थिक भी हो गई होगी, ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ, 1/4 कटोरी करीब पानी डाल दें इसमें, 1 उबाल और आने दें, उसके बाद हम सर्व करेंगे। क्योंकि पड़े पड़े ग्रेवी गाढ़ी हो ही जाती है काजू की, और हमने वो भुजिया डाली है उस वजह से। 1-2 उबाल आने देते हैं इसको, वापस कवर कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर गाढ़ी हो जाएगी। मिंट फ्लेवर की हमारी ग्रीन ग्रेवी तैयार है, अब हम सर्व करते हैं। पहले यहाँ पर कोफ्ते रख देते हैं। जैसे भी आपको सर्व करना उसी समय सर्व करें। ये बहुत सॉफ्ट है हमारे कोफ्ते जो बनाए हमने ये पनियारम सांचे में। अब इसके ऊपर हम ग्रेवी डालेंगे।
थोड़ा टेस्ट चेंज है इसका ग्रेवी का। जब सर्व कर रहे हो तब तेज पत्ता रिमूव कर दें। अभी मुझे जितनी चाहिए उतनी ही डाल रही हूँ इसमें मैं ग्रेवी। आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आगे जो भी वीडियोस लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। कोफ्ते से और मिंट के पत्ते से यहाँ गार्निश कर रही हूँ, साथ में थोड़े से काजू के टुकड़े। आपकी चॉइस है आप इसको किस तरह से सर्व करना चाहते हैं। यह कोफ्ते तैयार हैं पनीर और आलू के। तो हमारी ग्रीन ग्रेवी में बिना तले मलाई कोफ्ता तैयार है। थैंक यू।